भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज अब से महज कुछ ही दिनों में होने वाला है। भारतीय टीम इस बड़े दौरे के लिए वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है, जहां पर शुरुआत में दो टेस्ट मुकाबले खेलने और पहले टेस्ट मुकाबला 12 जुलाई को खेला जाएगा, जिसको लेकर वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भविष्यवाणी करी है और भारतीय टीम को चेतावनी भी दी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच हमेशा से ही कांटे की टक्कर रही है और जब बात टेस्ट क्रिकेट पर आ जाए तो भारतीय टीम का पल्ला हमेशा से ही भारी रहा है। वेस्टइंडीज के सामने भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी है, बावजूद उसके टीम इंडिया की मजबूती में चार चांद लग चुके हैं। पहले टेस्ट मुकाबले की शुरुआत से पहले ही अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां सामने आ रही है, लेकिन वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ियों का गुरूर उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सबसे पहले ब्रेन लारा ने अपनी टीम को दावेदार बताया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम की स्थिति ज्यादा कुछ खास है नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया के हाथों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को रौंद दिया था, जिसके बाद हमारी टीम की खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और हमारी टीम हराने में आसानी से महारत हासिल करेगी। तो वहीं भारतीय टीम का मजाक क्रिस गेल ने भी उड़ाया। उन्होंने अपनी टीम वेस्टइंडीज को इस पूरे दौरे का विजेता बता दिया। उन्होंने कहा, टेस्ट में भी हमारी टीम काफी ज्यादा मजबूती के साथ लौटी है और मुझे उम्मीद है भारतीय टीम के घमंड को हमारी टीम चकनाचूर तीनों ही क्रिकेट के प्रारूपों में कर देगी। हमारी टीम के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी है और कोई भी टीम हमें हराने में प्रबल दावेदार नहीं हो सकती। साथ ही आपको बता दे कि कायरन पोलार्ड ने भी यहां पर अपना बयान जारी करते हुए भारतीय टीम को नीचा दिखाया। उन्होंने कहा कि यह भारत की सरजमी नहीं है जहां पर भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिलेगा, यह हमारी वेस्टइंडीज की पिच है जहां पर हमारी टीम को फायदा मिलने वाला है। भारतीय टीम हमेशा अपने अनुकूल पिच बनाकर अपने देश में जीतकर यह समझती है कि शायद वह दुनिया की नंबर वन टीम में, लेकिन उनके घमंड को हमारी टीम अब तोड़ने वाली है। इस तरह से वेस्टइंडीज दिग्गजों ने पहले टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम की आलोचना करते हुए सरेआम धमकी दे दी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम पहला मुकाबला जीतेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।